तो जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिख कर आया है, उनके लिए कुछ बातें हैं जो उनको जाननी ज़रूरी हैं। जो बच्चों को हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हों और आपको कुछ सवाल ऐसे हों जो आपको जानने हों, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये पूछना हो कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। देखिए, जो फॉर्म आते हैं वो ऑनलाइन आएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर आएंगे। भरना कैसे होता है, भरने के दो तरीके हैं, प्राइवेट से भर सकते हो आप या फिर रेगुलर से भर सकते हो। प्राइवेट का मतलब होता है आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ना ही स्कूल की फ़ीस देनी होगी, सिर्फ फॉर्म आएंगे, फॉर्म की फ़ीस देनी होगी। अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको फॉर्म की फ़ीस तो देनी ही देनी है, साथ के साथ स्कूल की फ़ीस भी देनी है और स्कूल भी जाना होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको प्राइवेट करना है, रेगुलर दोनों मर्जी कर सकते हो, दोनों की अपनी वैल्यू होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रेगुलर करने से ज़्यादा कुछ वैल्यू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की अपनी अपनी मान्यता है, कोई मना नहीं करेगा। अगर प्राइवेट करोगे तो भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो सीबीएसई बोर्ड से, प्राइवेट करने पर कहीं भी एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है। दोनों की अपनी वैल्यू बराबर है, बस इतना होता है कि रेगुलर जाने से आपको थोड़ा स्कूल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप चाहते हो आपको स्कूल नहीं जाना, आप सेल्फ स्टडी करके या खुद से पढ़ाई करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। एसेंशियल रिपीट में आपको सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं, ऑल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। और एग्ज़ाम होगा कब, एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल के साथ। मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, जैसे जो बाकी बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, उन्हीं के साथ एग्ज़ाम होगा। जो डेट शीट आएगी उनकी वही आएगी, आपकी वही आएगी, पेपर भी सेम आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन पेपर आएगा जो उनके लिए आएगा, अगले साल वाले बच्चों के लिए वही आपके लिए आएगा। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पूरा सिलेबस आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने टर्म वन टर्म टू ख़त्म कर दिया है। अब जो अगले साल एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें टर्म वन टर्म टू के हिसाब से नहीं होगा, एक ही बार एग्ज़ाम होगा और मार्च वेल के राउंड जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम होगा। तो आपका पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस को पढ़ना होगा। और आपको सेंटर कैसे मिलता है, जो प्राइवेट वाले बच्चों होंगे प्राइवेट वालों को सेंटर मिलता है, उनका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड ऑन करके आपको सेंटर मिलेगा। वहाँ सेंटर पे आप जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, कपड़े कौन से पहनने होते हैं, कपड़े घर के पहन के जाने होते हैं, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म तो होती नहीं प्राइवेट बच्चों की, तो आपको घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। आप सभी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पर आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी बातें होंगी, आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो मार्च अप्रैल में होंगे, फॉर्म आप खुद से भर पाओगे, फॉर्म कब आएंगे, अक्टूबर के आसपास फॉर्म आ जाएंगे, आप भर पाओगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है।